हाँ जी, तो फेसबुक आईडी डिसेबल का सॉल्यूशन क्या है? इसके इस क्वेश्चन के चक्कर में ना मेरी इतनी जान खपी है ना, क्योंकि चाहे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस हो, फेसबुक पे मैसेजेस हो, या फिर यूट्यूब पर कमेंट्स हो, सिर्फ इस वीडियो की वजह से, मतलब मुझे ये हो रहा है मैंने ये यूट्यूब पे वीडियो क्यों डाली। तो सही बताऊं तो मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं, और कुछ बंदों के क्वेश्चन आते थे कि पेजेस क्यों डिसेबल होते हैं या कुछ ऐसे ही, तो मैंने कैजुअली ये वीडियो भी बना दी कि फेसबुक आईडी डिसेबल क्यों होती है। बट मैंने इसमें सिर्फ रीजंस बताए थे, सॉल्यूशन नहीं बताया था। तो अब ये गलती कह लो या मैंने जानबूझ के नहीं बनाया, मुझे भी नहीं पता, बट इस वीडियो के बाद जो मुझे मैसेजेस आए हैं कि मेरी आईडी डिसेबल, आईडी डिसेबल, आईडी डिसेबल, यार ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आपकी आईडी डिसेबल हुई है मैं समझता हूँ, उसमें काफी ज्यादा चीजें होती हैं, आप कनेक्टेड होते हो अपने दोस्तों से, काफी ज्यादा चैट्स होती हैं, काफी ज्यादा आपके फेसबुक के बिजनेस पेजेस होते हैं, तो जब वो आईडी डिसेबल हो जाती है तो बड़ा झटका लगता है। बट देखो, टू बी ऑनेस्ट, फेसबुक काफी टाइम से इन चीजों से, सस्पिशियस एक्टिविटीज से, स्पैम से लड़ती आ रही है। अब वो बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, आईडी डिसेबल मतलब 90% चांसेस है आपकी आईडी नहीं आएगी, नहीं आएगी। और स्पेशली अभी कोरोना वायरस के चलते टीम्स जो चेक करती हैं, मैनुअली भी वो चेक करके रिप्लाई करती हैं, वो टीम अभी नहीं अवेलेबल, तो इस करके या कह लो कम है, शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है फेसबुक के पास भी, इसलिए जो है बहुत ज्यादा जल्दी रिप्लाई नहीं आ रहे कोविड के चलते, ठीक है। तो इसलिए 90% चांसेस है आपकी आईडी डिसेबल हो गई, और डिसेबल का मतलब ये होता है उन्होंने अपने डाटाबेस से उड़ा दिया है। मैंने ये रीड किया था, तो ये डाटाबेस से उड़ाने का मतलब होता है कि वो उड़ा चुके हैं पीछे से, और अब मुश्किल है कि आपकी आईडी वापस आएगी। बट फिर भी आप एक अपील फॉर्म भर सकते हो, अपील फॉर्म के लिए, अपील फॉर्म का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो भर दो। उसके अलावा ना मैं कुछ कर सकता और ना आप कुछ कर सकते, अपनी मिस्टेक मानना। तो कुछ बंदे जो है अननोन से, यानी जो सजेशंस में आते हैं बंदे, उनको रिक्वेस्ट भेजते रहते हैं तब भी आईडी डीएक्टिवेट हो जाती है, मतलब काफी सारे रीजंस होते हैं इसके अलावा। बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे हो स्पैमी तब भी आईडी डीएक्टिवेट हो सकती है, तो मतलब सॉरी डिसेबल हो सकती है। तो इसके इन सब रीजंस की वजह से आपकी आईडी उड़ सकती है। बट टू बी ऑनेस्ट मैं कुछ नहीं कर सकता, आप अपील डाल सकते हो, ये फेसबुक की टीम करेगी, और इसके लिए अपील फॉर्म का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और प्लीज, मैं मार्केटर हूँ, मैं आईडी खोलने वाला नहीं हूँ। तो मुझे बहुत बंदे मैसेज करके करते हैं, सर मेरी आईडी खोल दो, मेरी आईडी खोल दो, प्लीज पैसे ले लो, आईडी खोल दो। यार पैसों की दिक्कत नहीं है, बात यह है कि वो मेरे अंडर ही नहीं है वो चीज़, मैं फ्री में भी तुम्हें सॉल्यूशन ही दे देता सीधा, मुझे पैसे नहीं चाहिए। तो अब मैं मेरे अंडर नहीं है वो चीज़, आईडी डिसेबल होना आपका, आपकी गलतियों की वजह से आईडी डिसेबल हुई है, या हो सकता है कुछ काफी चीजें, काफी रीजंस होते हैं, कोई कंटेंट पुराना पड़ा हुआ है तो किसी ने रिपोर्ट मारी और अब तब आईडी डिसेबल हो गई, बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, बहुत ज्यादा मैं मतलब डिस्क्राइब भी नहीं कर सकता, इतने ज्यादा इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो ये सिंपल सा है कि भाई अपील फॉर्म का मैं लिंक दे देता हूँ, वो भर लो, अगर खुल जाए तो ठीक है। बट इसके साथ एक और चीज कनेक्ट होती है कि अगर हम न्यू आईडी बना रहे हैं तो वो भी फेसबुक उड़ा रहा है, यार उसका क्या सोल्यूशन है? वो एक लेजिट क्वेश्चन है, मैं उसका आंसर दे देता हूँ। होता क्या है कि जब आप न्यू, एक बार आपकी पुरानी आईडी डिसेबल हो गई तो वो डिवाइस पे ना स्पैम टैग लग जाता है, ठीक है, और कभी कभी आपका आईपी एड्रेस यानी जो इंटरनेट कनेक्शन है वो ब्लैकलिस्ट हो जाता है इस वाले आईडी से, इस मतलब इंटरनेट से न्यू आईडी बने, या डिवाइस में ही स्पैम टैग होता है कि जैसे नई आईडी बने उड़ा दो साथ के साथ, डिसेबल हो जाती है। तो इसका सोल्यूशन यह है कि आप दूसरे किसी फोन में, चाहे घर का ही ले लो या किसी दोस्त का ले लो, न्यू कनेक्शन उनके मोबाइल डाटा से, यानी उनके मोबाइल डाटा ऑन करो किसी और का, उनकी फेसबुक आईडी को लॉग आउट करो, डीएक्टिवेट नहीं करनी, लॉग आउट करो, और उसमें एक न्यू आईडी बना लो जिस भी आपसे, जिस भी नाम से चाहिए। उसके बाद बनाने के बाद लॉग आउट कर दो। लॉग आउट करने के बाद क्या होता है, वहां पे एक ऊपर पॉपअप दिखा रहा होता है ना, मतलब एक पॉपअप नहीं, एक छोटी सी नोटिफिकेशन टाइप होता है, ये एक तरह से टैब सा बन जाता है कि आपकी आईडी, यहाँ पे आप क्लिक करोगे आप दोबारा लॉगिन कर सकते हो, है ना, वो इमेज लॉगिन होता है, जो आपको वहां से रिमूव का ऑप्शन होता है, रिमूव नहीं करना, जिसके भी डिवाइस में आपने आईडी बनाई है उसे रिमूव नहीं करना। और उसके बाद क्या करना है, रिमूव करे बिना मतलब लॉग आउट रहने दो, तो उस बंदे को कहो जिसके भी आपके फैमिली में है या आपका फ्रेंड है, उसे कहो कि अपनी आईडी जो ऐसे तू चला रहा था वो चलाता रहे, और अपने डिवाइस में अब उस आईडी को लॉगिन कर लो। उससे क्या होगा,
बेसिकली वो आईडी बनी उससे हुई है, फेसबुक को ये सिग्नल जाएगा कि उससे बनी है और आप जस्ट लॉग इन करके चला रहे हो, देन वो आईडी स्मूथ चलेगी, कोई इशू नहीं होगा। बट हाँ, वो वाली एक्टिविटीज दोबारा मत करना जो आपने पहले करके पहली आईडी उड़ाई थी। तो ठीक है, इस तरीके से ये इसका सिंपल सा सॉल्यूशन है। तो आई होप ये आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड और टैक्स बेस्ड इन डेप्थ कंटेंट चाहिए तो आप मेरी edmfeed.com पर जा सकते हो। साथ ही अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड कंटेंट डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में चाहिए तो यानी मेल बॉक्स में चाहिए तो आप मुझे इजी डिजिटल मार्केटिंग 500 ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पर जाके मुझे फॉलो कर सकते हो, डायरेक्टली अपना मैसेज कर सकते हो ईमेल एड्रेस, उससे क्या होगा आप मेरी ईमेल लिस्ट में ऐड हो जाओगे, जब भी मैं कोई नया कंटेंट पीस ऐड करूंगा डायरेक्टली आपके इनबॉक्स में आ जाएगा। साथ ही अगर आपका कोई बिजनेस या ब्रांड है से आप ग्रो करना चाहते हो ऑनलाइन, या ग्रो तो क्या वो अभी उसके बिजनेस वेबसाइट तक नहीं बनी, अभी आप उसे लाना भी चाहते हो ऑनलाइन, देन ऑनलाइन लाने के बाद ग्रो भी करना चाहते हो, इतना सब कुछ भी करना चाहते हो या सिर्फ ग्रो करना चाहते हो, तो वेब डेवलपमेंट से लेके एसईओ सर्विसेज से लेके प्रमोशन सर्विसेज से लेके सब कुछ अवेलेबल है। आप मुझे डायरेक्टली फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो और मेरी सर्विसेज के बारे में पूछ सकते हो। आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक और शेयर जरूर करना, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं ऐसी डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड ट्रिक्स टिप्स और टॉपिक्स कवर करता रहूंगा जो आपको आपका करियर एनहांस करने में मदद करेगी, साथ ही साथ अगर आपका कोई बिजनेस है तो उसे ग्रो करने में मदद करेगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए थैंक्स यार, बाय।